हेलो स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में बेटा हम एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का रोल पढ़ेंगे। प्रीवियस सेगमेंट में हमने डिटेल में समझा है किडनी के फंक्शन को कि हाउ किडनी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस, दैट इज मेंटेनिंग बैलेंस विद इन द बॉडी, कि किडनी कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती है, एंड इन एक्सट्रीम सिचुएशन इट ऑल्सो प्रोड्यूस एरिथ्रोपोएटिन हॉर्मोन विच ट्रिगर एरिथ्रोपोइसिस, ऐसी बात हमने समझी थी। तो आज का सेगमेंट जो अपना फोकस रहेगा बेटा कि हमारा मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया है एंड इट इज़ एलिमिनेटेड मेनली अक्रॉस यूरिन, लेकिन उसके अलावा आपकी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो अदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसके बिसाइड बियॉन्ड ऑल प्राइमरी फंक्शन इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। तो इसमें हम रोल पढ़ने वाले हैं आज के सेगमेंट में लंग्स का, लिवर का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट योर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दैट इज स्किन का। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, हम हमारा एसेसरी एक्सक्रीटर ऑर्गन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा राइट कर लेते हैं कि किडनी जो है ये आपका मेन ऑर्गन है बेटा। किडनी इज द मेन ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये हमने डिटेल में समझा है। हमने ऑस्मोरेगुलेटरी रोल को भी समझा है, हमने एक्सक्रीटरी रोल को भी समझा है। तो दिस इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी विच इज एसोसिएटेड विथ एलिमिनेशन ऑफ यूरिया। हालांकि जो यूरिन है उसमें सिर्फ यूरिया नहीं एक्सक्रीट होता, उसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, मेजर वाटर एलिमिनेट होता है आपकी बॉडी में। हमने पढ़ा भी था कि 1 ग्राम यूरिया रिक्वायर अप्रॉक्सीमेट 50 ml ऑफ वाटर फॉर देयर एलिमिनेशन, ऐसी बात हमने समझी थी। तो एक्सक्रीटरी एसेसरी ऑर्गन के ऊपर जाने से पहले हम समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है, कुछ स्पेशल नोट डाल के हम लिखेंगे कि आपकी बॉडी में यूरिया बनता कहाँ है। हमने डिटेल में समझ लिया है, अपने टॉपिक वन में ही समझा था कि यूरिया कहाँ बनता है आपका, लिवर में। तो कुछ स्पेशल साइंटिस्ट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगी मैं आपको। तो यू कैन राइट डाउन, यूरिया फॉर्मेशन मेजर अकर इन लिवर। मेजर, मेजर साइट कहाँ बनता है बेटा यूरिया? तो यूरिया आपकी बॉडी में मेजर कहाँ बनता है? यदि मैं मेजर बात करूँ तो इट इज़ फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल, बिकॉज इट इज़ हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। ईच मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया फॉर्मेशन रिक्वायर अप्रॉक्सीमेट 3 mol ऑफ ATP। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल इज द चीफ साइट वेयर यूरिया इज प्रोड्यूस्ड। और ये जो साइकिल है कि यूरिया कैसे बन रहा है, इसको एक्सप्लेन किया था डॉक्टर हैंस क्रैब ने और उनके ही असिस्टेंट जिनका नाम था हैंसलिट। तो यू कैन राइट डाउन, यूरिया, मेजर यूरिया फॉर्मेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया वाया ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल जिसको हम यूरिया साइकिल बोलते हैं, यूरिया साइकिल। एंड दिस साइकिल फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस मेटाबॉलिक पाथवे, दिस मेटाबॉलिक पाथवे, पाथवे ऑफ यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया फॉर्मेशन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डॉक्टर हैंस क्रैब। क्रैब का नाम, डॉक्टर क्रैब का नाम आपने पहले भी सुना है, क्रैब साइकिल सुनी है। डॉक्टर हैंस क्रैब एंड हिज एसोशिएट हैंसलिट, डॉक्टर हैंसलिट। क्लियर? इन्होंने एक्सप्लेन किया था इन द ईयर 1932। साइकिल को डिटेल में नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि मेनली क्या होता है बेटा। तो 2 mol ऑफ अमोनिया कंबाइन विथ 1 mol ऑफ CO2 विथ रिलीज ऑफ हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर, जस्ट 1 mol ऑफ वाटर, इट फाइनली फॉर्म 1 mol ऑफ अमोनिया NH2CO NH2 विथ एक्सपेंडिचर ऑफ 3 mol ऑफ ATP। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया एंड हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 कंबाइन टू फॉर्म यूरिया। तो यूरिया इज अ हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपने समझा कि एक मोल यूरिया बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेट या टोटली कितने ATP यूज हो रहे हैं, 3 ATP। तो इतने मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल यूरिया बनाने के लिए बहुत सारे मिलियंस ऑफ हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ATP की। तो इट इज़ हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, नॉट अफोर्डेड बाय ऑल एनिमल्स। क्लियर? तो यूरिया बनाना, क्योंकि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है यूरिया में। तो ये तो थी थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग कि मेजर साइट कहाँ दिख रही है बेटा आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द माइनर साइट कि थोड़ा बहुत यूरिया आपके बनता है बेटा ब्रेन सेल में एंड योर किडनी सेल।
ब्रेन सेल एंड किडनी सेल, मतलब ब्रेन सेल इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म अमोनिया इंटू यूरिया. नाउ कम ओवर द एसेसरी एक्सक्रिटरी ऑर्गन, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात करेंगे, लंग्स की. कि वैसे तो आप लोगों ने डिटेल में समझ ही लिया कि लंग्स आपका ब्रीदिंग ऑर्गन है, मेनली एसोसिएटेड विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस. लेकिन जो लंग्स है, अलॉन्ग विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एक्सक्रीशन. तो लंग्स इज द मेजर ब्रीदिंग ऑर्गन या मेजर ब्रीदिंग ऑर्गन. दिस इज द मेजर ब्रीदिंग ऑर्गन. हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा, और हम समझ रहे हैं कि ये मेजर ब्रीदिंग ऑर्गन है. एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, दैट इज रिलीज ऑफ फाउल एयर, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन, CO2 एंड वाटर इज एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद एक्सहेल्ड एयर, अलॉन्ग विद एक्सहेल्ड एयर. क्योंकि हमें बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, अनवांटेड CO2 को एलिमिनेट करना है, बिकॉज इट अफेक्ट pH ऑफ ब्लड. तो CO2 कितने ml एक्सक्रीट होता है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो 200 ml CO2 एक्सक्रीटेड, 200 ml CO2 एक्सक्रीटेड इन वन मिनट. क्लियर. नाउ कम ओवर द सेकेंड ऑर्गन, दैट इज लिवर. यदि मैं लीवर की बात करूं तो लीवर इज अ मेजर डिटॉक्सिफाइंग सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इज द मेजर साइट ऑफ यूरिया फॉर्मेशन. तो ये किस किस की एलिमिनेशन में इन्वॉल्व होता है उसको समझते हैं हम. तो लीवर इज द चीफ साइट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. लेकिन इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लिवर इज अ डिटॉक्सिफाइंग सेंटर. ये आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफाइंग सेंटर है, सभी टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक फॉर्म में, लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में, और यू कैन कॉल नील टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो दिस इज द डिटॉक्सिफाइंग सेंटर एज वेल एज मेजर और चीफ साइट ऑफ यूरिया फॉर्मेशन, चीफ साइट ऑफ यूरिया फॉर्मेशन वाया ऑर्निथिन साइकिल, वी ऑलरेडी डिस्कस इन टूडेज सेगमेंट. क्लियर. तो हम समझेंगे बेटा लिवर जो है ये क्या एक्सक्रीट करता है. तो लिवर एक्सक्रीट बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, विच इज द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन में कि जो RBC है, डेड RBC, वो कहाँ पहुँचते हैं, स्प्लिन में फर्दर ब्रेकडाउन होती है. तो जो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, और ये फर्दर यूज होते हैं बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट. तो एक्स्ट्रा बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, ड्रग्स, विटामिंस, यूरोक्रोम पिगमेंट जो यूरिन को एक स्पेसिफिक येलो कलर इम्पार्ट करते हैं, ड्रग्स, विटामिन एटसेट्रा एक्सक्रीटेड अलोंग विद डाइजेस्टेड वेस्ट, अलोंग विद डाइजेस्टेड वेस्ट. तो ये थे आपके मेन, नहीं कह सकते, एसेसरी ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में एड ऑन करते हैं. और तीसरा आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन स्किन. यदि मैं स्किन की बात करूं तो स्किन का मेजर फंक्शन, यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है नेट में, तो इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मेजर रोल है. तो स्किन इज अ यू कैन कॉल लार्जेस्ट ऑर्गन, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन विच मेक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड एसोसिएटेड विद थर्मोरेगुलेशन वाया प्रोड्यूसिंग स्वेट, वाया प्रोड्यूसिंग स्वेट. स्वेट प्रोड्यूस करके ये कूलिंग इफेक्ट इम्पार्ट करता है, कूलिंग इफेक्ट इम्पार्ट करता है आपकी बॉडी को. तो थर्मोरेगुलेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ स्किन, या आपकी बॉडी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देना, किसी भी पैथोजन की डायरेक्ट एंट्री को प्रिवेंट कराना. दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्किन. नाउ कम आउट, द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड सीबम, दैट इज ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड. तो यू कैन राइट डाउन, स्किन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड. नंबर वन इज सुडोरी फेरस ग्लैंड,
विच इज़ अ स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड एंड द सीबम प्रोड्यूसिंग दैट इज ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड सीबेसियस ग्लैंड. सीबेसियस ग्लैंड हमारे स्किन में दो टाइप के ग्लैंड हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड एंड अनदर वन इज अ वैक्स और ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड. दिस इज स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड. स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड वेयर एज सीबेसियस इज अ ऑयल और सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड. आपने देखा होगा बेस ऑफ द हेयर के दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन बॉडी. लेकिन जो सुडोरीफेरस ग्लैंड है दे आर मेनली या आप कहें कि रिचली फाउंड इन आर्मपिट रीजन ग्रोइन रीजन जहाँ पे आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है. तो दो तरह के ग्लैंड्स हैं आपकी स्किन में. एक है स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जिसका मेन काम यदि मैं कहूँ तो थर्मोरेगुलेशन है. लेकिन आपके स्वेट के साथ साथ कुछ एक्सक्रिटरी वेस्ट भी आपकी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं. तो क्या क्या एलिमिनेट होते हैं बेटा? दिस स्वेट इज मेनली एसोशिएट यदि मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करूँ स्वेट की तो ये कूलिंग इफेक्ट इम्पार्ट करता है. और यदि मैं सेकेंडरी फंक्शन की बात करूँ तो ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है बेटा. एक्सक्रीशन में तो जो स्वेट है स्वेट ग्लैंड कैसा ग्लैंड है पूछ लिया जाता है कई बार. दिस इज सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड. यू कैन राइट डाउन इट इज अ सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड. टिब्यूल लाइक ग्लैंड है जिसमें माइनर ब्रांचिंग देखी गई है. और ये क्या सिक्रीट करता है बेटा? एक्सक्रीट और सिक्रीट स्वेट विच कंसिस्ट ऑफ वाटर सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक योर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड. एंड दिस लैक्टिक एसिड इज एक्सक्रीटेड ओनली एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज. नॉर्मल कंडीशन में आपके स्वेट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता. लेकिन जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपके स्वेट में थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड भी एक्सक्रीट होता है. क्लियर? नाउ कम ओवर द सीबेसियस ग्लैंड. दिस सीबेसियस ग्लैंड इज अ सिंपल सेकुलर ग्लैंड. सेक लाइक ग्लैंड है ये. और ये क्या एक्सक्रीट करता है बेटा? सीबम. यदि मैं लोकेशन बताऊं ऑयल ग्लैंड की तो हर एक हेयर फॉलिकल के बेस में प्रेजेंट होता है बेटा ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड एंड एक्सक्रीट सीबम. एंड दिस सीबम कंसिस्ट ऑफ वैक्सेस हाइड्रोकार्बन्स और स्मॉल अमाउंट में आप कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कह सकते. वैक्सेस होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, स्टीरोल्स होते हैं. तो हमने डिटेल में समझ लिया है एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी अलोंग विद अदर एसेसरी ऑर्गन्स जो बहुत ही प्राइमरी रोल प्ले करते हैं. बट अलोंग विद किडनी इट ऑल्सो असिस्ट इन एक्सक्रीशन. इन नेक्स्ट सेगमेंट वी गो थ्रू डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. थैंक यू सो मच.